हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम भक्ति है और मैं मेरे चैनल पे एक्रेलिक ट्यूटोरियल्स और DIYs की वीडियोस डालती हूँ। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 इजी एंड क्रिएटिव बर्थडे कार्ड आइडियाज। वैसे ये आइडियाज यूज करके आप अलग अलग ओकेजन के लिए भी कार्ड बना सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक कार्ड लिया है। वैसे आप वाइट पेपर लेके उसे फोल्ड करके ले सकते हो और यहाँ पे इनसाइड में मैं हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज लिख रही हूँ। तो ये हैप्पी बर्थडे मैसेज लिखने के बाद मैं यहाँ पे कुछ स्टिकर्स लगा दूंगी। तो फ्रंट वाले साइड में मैंने एक स्क्वायर बना लिया है और वो मैंने कट कर लिया है। तो इसी स्क्वायर पे अब मैं एक कपकेक का ड्रॉइंग बनाऊंगी और कलर कर लूंगी और इसे कट भी कर लूंगी। यहाँ पे मैं पिंक कलर के पेपर से स्क्वायर की बॉर्डर बना दूंगी और कट किया हुआ कपकेक यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक बैग लिया है और वो मैं स्क्वायर शेप में कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने स्क्वायर कट करके उसमें कुछ ग्लिटर्स फिल कर दिए हैं और ये स्क्वायर अब मैं स्टेपलर के हेल्प से स्टिक कर दूंगी। तो जहाँ पे मैंने स्टेपलर पिन लगाया है वहाँ पे मैंने स्टिकर लगा दिया है और ये ग्रीटिंग कार्ड रेडी है। तो सेकंड कार्ड बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसे मेजरमेंट लेके कट कर लिए हैं। तो कट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ फोल्ड्स बना दूंगी। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर स्टिक करके एक बॉक्स बना दिया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा मेजरमेंट लेके इसको फोल्ड कर दिया है। और ये पेपर मैं बॉक्स के अंदर स्टिक कर दूंगी। यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे का मैसेज लिख के कट कर लिया है और अब मैं ये बॉक्स के अंदर स्टिक कर दूंगी। तो ये बनाया हुआ बॉक्स मैं इस तरह से कार्ड के अंदर स्टिक कर दूंगी। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स कट कर लिए हैं और कुछ जूट के थ्रेड्स लिए हैं और ये मैं फ्रंट साइड में स्टिक करके हैप्पी बर्थडे का मैसेज उस पर लिख दूंगी। तो यहाँ पे अपना दूसरा कार्ड रेडी है। तो थर्ड कार्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप कट कर लिया है और इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी।
यहाँ पे मैं पिंक कलर का एक रेक्टेंगुलर शेप कट करके उसे हाफ में फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पे मैंने हार्ट का एक डिजाइन बनाया है और वो मैं कट कर लूंगी। तो ये हार्ट वाला शेप हम इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप पे स्टिक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया है और उसके ऊपर मैंने एक सर्कल बना दिया है और ये सर्कल अब मैं कट कर लूंगी और इस तरह से इस रेक्टेंगुलर कार्ड पे स्टिक कर दूंगी। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर शेप पे हैप्पी बर्थडे का मैसेज लिख के उसे इंसर्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के रेक्टेंगल्स लेके एक साइड में वो इस तरह से कुछ कट कर लिया और दूसरे साइड से मैं फोल्ड कर लूंगी और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्रीन पेपर स्टिक कर लिया है। दोनों शेप्स की अलाइनमेंट ठीक होने के लिए मैं यहाँ पे कॉर्नर्स कट कर लूंगी। तो ये ग्रीन पेपर्स मैंने सर्कल के अंदर इंसर्ट कर दिए हैं और हमारा कार्ड यहाँ पर रेडी है। गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आर्ट के साथ। बाय बाय।